भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के ऊपर पलटवार किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने पॉक्सो कानून और उसके प्रावधानों पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। बृजभूषण ने कहा है कि वो संतों की अगुवाई में सरकार को ये मजबूर करेंगे कि कानून में बदलाव किया जाए। बृजभूषण ने यह भी कहा कि पूर्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव ने भी इस कानून का जमकर विरोध किया था। बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जबकि उन्होंने 6 जून को अयोध्या में संतों की महारैली बुलाई है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि जब ये कानून बना था तब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे और उस समय सोनिया गांधी आशाराम बापू से बहुत नाराज थी। मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि आप गलत कर रहे हैं और इंस्पेक्टर के हाथ में अपनी गर्दन दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बहुमत में थी इसलिए कानून बन गया। बृजभूषण ने कहा कि मैं 6 बार सांसद रहा हूँ, मुझे सब कुछ मिल चुका है। यह आरोप इतना खतरनाक है कि हर दिन न जाने कितने बच्चे इस आरोप में आत्महत्या कर रहे हैं। इस आरोप के चलते न जाने कितने साधु संत ने आत्महत्या कर ली है। बृजभूषण ने यह भी कहा कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसी दुरुपयोग के डर से प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां लड़कियों को नौकरी देने से बच रही हैं। बृजभूषण के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कॉमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह सरकार के संरक्षण के कारण ये सब बयान दे रहे हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा और अगर वो दोषी हुए तो सजा जरूर मिलेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।